तो फ्रेंड देख सकते हैं रेडमी 8A है और ये फ़ोन जो है डेड हो गया है, यानी पावर ऑफ हो गया और ऑन नहीं हो पा रहा है। अभी मेरे शॉप पे कुछ ही देर पहले एक कस्टमर लेके आए हैं, तो इसे मैं जो है अभी ठीक करके आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। बहुत सारे फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम होता होगा, आपके भी फ़ोन में कभी ना कभी इस तरह से हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। यदि आपके फ़ोन में डेड इशू हो जाता है, आपका फ़ोन इस तरह से जो है खाली पावर ऑफ और जो है शो हो रहा है, बैटरी चार्ज शो हो रहा है, तो इस तरह से आपको कैसे ठीक करना है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। हार्ड रीसेट भी नहीं हो रहा है, आपका जो है फास्ट बूट मोड भी नहीं आ रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने सिम ट्रे को निकाल लेना है और उसके बाद जो जो मैं कर रहा हूँ वो सेम प्रोसेस आप ट्राई करिएगा। यदि आपका फ़ोन में यही प्रॉब्लम होगा सेम, तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में यही सब प्रॉब्लम होते हैं, मेजर प्रॉब्लम, आपको उसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम इसके बैक पैनल को खोलते हैं। यदि आपका हार्ड रीसेट या फैक्ट्री रीसेट नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए आपके फ़ोन में कुछ इशू है, यानी कि मदरबोर्ड या जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके मैंने बैक पैनल को अच्छे तरीके से खोल लिया है और उसके बाद आपको यहाँ पे बैक पैनल को स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। यदि आप घर पर करना चाहते हैं तो आप छोटे मोटे जो है इंक्रूवमेंट रखा करें, आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपको वारंटी में है तो आप सर्विस सेंटर ले जाके करवा सकते हैं, और नहीं तो अपने एरिया में अच्छे टेक्नीशियन से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके बैक पैनल को ओपन कर लिया है और इसके जो है स्क्रू ड्राइवर को भी खोल दिया है। और यहाँ पे कुछ जो छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक जो है पत्ता खुल गया था, जो पावर कनेक्टर से आता है, चार्जिंग कनेक्टर को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड को, तो ये खुल गया है और इसकी बैटरी कनेक्शन भी थोड़ी ढीली हो गई है। तो इस तरह से कभी ना कभी आपके फ़ोन में भी हुआ होगा, बस खाली बैटरी शो कर रही है, आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है और उसके बाद जब ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम के लिए यही सब जो है फ्लैक्स केबल जिम्मेदार होते हैं। और आपकी बैटरी यदि ख़राब हो जाती है तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो हमने इसके जो है पत्ते को फिर से अच्छे से बैठा दिया, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है तब पर भी। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते हैं और अपने एरिया में आपके अच्छे टेक्नीशियन नहीं रहते, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी बना देते हैं और आपका फ़ोन जहाँ होने की जगह और नहीं हो पाता। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा बहुत वीडियो देख के फॉलो करेंगे, छोटे मोटे स्टेप से पहले आगे बढ़ा करें। तो यहाँ पर इसकी बैटरी कनेक्टर में जो है कार्बन आ जाती है और कार्बन आने की वजह से पावर प्रॉपर नहीं मिल पाता मदरबोर्ड को, तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होता। तो इस वजह से सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्प्रिट डाल के थीनर आता है जो आपको जो है नेल पॉलिश रिमूवर, उससे भी आप इसे जो है साफ़ करेंगे और इसके कनेक्टर को भी अच्छे तरह से ब्रश से साफ़ कर देंगे, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस छोटे मोटे मेजर प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करता हूँ, पहले बड़े सोल्यूशन है और बड़े ट्रिक के नहीं तरफ जाता, नहीं तो जो है फ़ोन जो होने वाला भी रहता है वो डेड हो जाता है। तो छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते हैं, ऐसे मेरे फ़ोन में भी एक बार हुआ था। मैं भी बहुत साल पहले जब रिपेयरिंग नहीं सीखा था तो जो है वहाँ पे देखा दिया एक मिस्त्री को, उसने फ़ोन को ही डेड कर दिया, तो यानी उसने बोला कि अब होगा ही नहीं, आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, इस तरह से बोल देते। लेकिन नहीं, छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते, बैटरी कनेक्टर, तो यही प्रॉब्लम था। मेरा भी फ़ोन यही सेम था और नोट 4 था, लेकिन वो फ़ोन में इस तरह का ही प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन उसने डेड कर दिया। फिर फाइनली यही सब छोटे मोटे प्रॉब्लम आप ट्राई करा करें, और नहीं होता तब आपको जो है मदरबोर्ड का जो है पैनल ओपन करना पड़ता है, पावर आईसी को हीट मारना पड़ता है, बैटरी कनेक्टर को चेक करना पड़ता है, परसेंटेज को चेक करना पड़ता है, तब जाके आपको बड़े सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, पहले छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा फ़ोन देख सकते हैं ऑन हो गया है और वर्क भी कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने शॉप पे ही ये सब सारे काम करता रहा। मेरा टेलीकॉम शॉप 2 है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन कोलकाता से, आप लोग के लिए इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहता हूँ। बहुत सारे मोबाइल अनलॉकिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, तो जाइएगा देखिएगा। यदि आपके फ़ोन में कहीं आपके अगल बगल में लॉक हो जाता है किसी का, तो घर बैठे खोल के कुछ जो है चार्ज ले सकते हैं। तो बहुत लोग अपने शॉप पे भी करते होंगे मेरे वीडियो देख के, और बहुत लोग जो है घर पे भी ट्राई करते होंगे, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग थोड़ा बहुत ट्रिक मैं भी यूट्यूब पे देख के ही सीखा हूँ, और बहुत सारे लोग यूट्यूब से ही फॉलो करते हैं। तो मैंने अब इसके बैक पैनल को बैठा दे रहा हूँ, कस्टमर से कुछ चार्ज लूँगा 300-400 रुपये, क्योंकि इसमें जो है छोटे मोटे भी काम करके आप अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो चुका है और इस तरह से आप लोग करके दे सकते हैं। थोड़ी सी जो है अब मैं बोलूँगा उनको, थोड़ा सा पावर आईसी में आपको प्रॉब्लम था उससे मैंने ठीक किया, और बहुत सारे जो है आप बता सकते हैं रीज़न,
और उसके बाद इनके जो है प्रॉब्लम को मैंने फिक्स कर दिया, अब देख सकते हो गया, क्योंकि भाई हमने भी यहाँ पे टाइम दिया, मेरा भी बहुत सारा काम रहता है। मेरे तो ऑलरेडी दो यूट्यूब चैनल है, एक ये है और एक मेरा सेकंड लक वाला है जहाँ मैं यूट्यूब टिप्स देता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, शॉप पे मनी ट्रांसफ़र बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ। तो भाई आप आजकल टाइम का ही वैल्यू है, टाइम का ही पैसा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हो गया है, और आप लोग भी करके ठीक करके कर सकते हैं। थोड़ा सा टेलीकॉम लाइन आप लोग को सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक लेके आने हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।